फर्जी एनओसी प्रकरण में जल्द ही राजधानी के बड़े अस्पतालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस पूरे घटनाक्रम को केंद्र सरकार ने भी गंभीरता से लिया है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि अवैध तरीके से अंग प्रत्यारोपण के प्रक्रिया में लिप्तता और कानून का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करें। इस आदेश के चलते जयपुर के तीन बड़े निजी अस्पताल फोर्टिस, ईएससीसी और मणिपाल अस्पताल पर संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में फर्जी एनओसी को लेकर जिन निजी अस्पतालों ने पिछले कुछ सालों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए वो सभी अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रडार पर है। जयपुर के फर्जी एनओसी प्रकरण के तार गुरुग्राम में पकड़े गए। ऑर्गन माफियाओं से जुड़े देख अब केंद्र से लेकर राजस्थान का चिकित्सा विभाग भी एक्टिव मोड में आ गया है। विभाग की हाई लेवल टीम एसएमएस समेत 14 अस्पतालों के डेटा खंगाल रही है, जिसके प्राथमिक रिपोर्ट में सामने आया कि पिछले साल में 900 से अधिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है और इसमें से 163 विदेशी नागरिक है। ऐसे में कमेटी के सदस्य इस दिशा में जांच कर रहे हैं कि विदेशी नागरिकों के सर्वाधिक ट्रांसप्लांट फोर्टिस, ईएससीसी व मणिपाल हॉस्पिटल की भूमिका किस तरह रही है। खुद विभाग के एसीएस शुभराज सिंह साफ संकेत दे चुकी है कि यदि किसी भी अस्पताल की भूमिका गलत मिलेगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर पूरे घटनाक्रम को लेकर एसीएस शुभराज सिंह के निर्देश पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव बगरहट्टा के बाद अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में उनसे जवाब मांगा गया कि आखिर कमेटी की मीटिंग क्यों नहीं की गई। इसके साथ ही ऐसे मामले में कमेटी ने अनुमति दी तो समिति के क्षेत्राधिकार के बाहर ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे होते रहे। हालांकि एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने कहा कि यह प्रोसीजर है, राज्य सरकार के नोटिस का जवाब दिया जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण, पूरे घटनाक्रम को लेकर एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा का नोटिस, अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभराज सिंह के निर्देश पर जारी किया गया नोटिस। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अधीक्षक से पूछा कब हुई समिति की बैठक। बैठकों के बाद मार्च 2024 तक जारी एनओसी का मांगा गया विवरण। निकट रिश्तेदारों से भिन्न व्यक्तियों के बीच प्रस्तावित प्रत्यारोपण करना होता है अनुमोदन। राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति को करना होता है ऐसे प्रकरणों का अनुमोदन। ऐसे मामले में अनुमति नहीं ली गई तो समिति के क्षेत्राधिकार के बाहर कैसे हुए प्रत्यारोपण। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इन बिंदुओं पर चिकित्सा अधीक्षक से मांगा है स्पष्टीकरण। इसमें ये जो कर्मचारी जिनको एसीबी ने ट्रैप किया है उनके संबंधित जितने भी उस कमरे को उसमें पहले एसीबी ने उसको सील किया था, बाद में उसको जो हमारे की सपोर्ट की है उसमें जितने भी अंदर पत्रावन या दस्तावेज फाइल्स पाई गई हैं उनको पूरी तरह से स्क्रूटिंग और उसको एग्जामिनेशन के लिए हमने एक कमेटी का गठन किया और सीसीटीवी की निगरानी के अंदर उनकी सभी पत्रावलियों की स्क्रूटिंग की जा रही है, उनको जमाया जा रहा है। उधर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से गठित कमेटी केंद्र के निर्देश के बाद एक्टिव मोड में आ गई है। कमेटी के तीन सदस्य पूरे प्रक्रिया को जानने के लिए एसएमएस अस्पताल पहुंचे, जहां उप अधीक्षक डॉक्टर अनिल दुबे के उन्हें सभी दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए अब तक की प्रगति रिपोर्ट दी। टीम के सदस्यों ने कहा कि घटनाक्रम की जाँच की जा रही है। एसएमएस अस्पताल में उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के लिए टीम आई है और जल्द ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। अभी प्रोसेस चल रहा है, हम तो प्रोसेस देखने आए थे किस टाइप से प्रोसेस कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्पज से क्या है, जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए उसकी पालना अक्षरता हो रही है कि नहीं हो रही, वो हमारी टीम जो आज जांच कमेटी स्टेट लेवल की पूरी टीम के साथ हम लोग आए हैं। सभी तरह के रिकॉर्डों की जाँच की जा रही है और सभी तरह के रिकॉर्ड चेक होंगे कमेटी के माध्यम से, अभी अंडर प्रोसेस है। जो डायरेक्शंस हमने इशू किए हैं कि प्रॉपर मॉनिटरिंग रहे और जो सारा जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए सुरक्षित, और इसकी वो लिस्टिंग कर रहे हैं, जैसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे आगे क्या रहता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे संवेदनशील मामले में किस किस स्तर पर हुई चूक। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए स्टेट लेवल अप्रूवल कमेटी में एनओसी लेना जरूरी, लेकिन लंबे समय से बैठक नहीं करने के लिए कौन कौन रहे जिम्मेदार, क्योंकि इस दौरान निजी अस्पताल में फर्जी एनओसी के जरिए धड़ल्ले से होते रहे ट्रांसप्लांट। पूरा उजागर होने के बाद भी अब तक अप्रूवल कमेटी को क्यों नहीं किया गया भंग। स्टेट लेवल अप्रूवल कमेटी के बैठक के प्रति लापरवाही करने वालों को किया गया दंडित। क्या राजस्थान में नियमानुसार गठित की गई थी कमेटी।
ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण में चिकित्सा विभाग के साथ ही एसीबी और पुलिस ने अलग अलग स्तर पर जांच कर रही है, लेकिन सामूहिक प्रयासों की बात की जाए तो इस मामले में उनकी गंभीरता नजर नहीं आ रही। अभी तक एसआईटी के गठन का मामला भी विधिक राय में अटका हुआ है। इतना ही नहीं, जांच कमेटी भी लगातार अतिरिक्त समय की मांग कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि केंद्र की मंशा के अनुरूप जिन अस्पतालों की प्रकरण में लिप्तता सामने आई है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने में जांच की लेट लतीफी तो भारी नहीं पड़ेगी। क्या अंगदान के इस जीवनदायिनी मुहिम को बदनाम करने वालों के खिलाफ शुरू की गई जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा? विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।